नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीट न्यूज। खबर से पूरा से है, सूबे में एक तरफ जहां सुशासन की सरकार विकास का दावा करते नहीं थकती, वहीं शेखपुरा के वार्ड नंबर 20 अंबेडकर नगर बुधौली में महादलितों के साथ हो रहा अन्याय की तस्वीर आप देखकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल दलित टोला अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 20 घोबघट्टा में बहुत संख्या में महिला एवं पुरुष को राशन कार्ड नहीं मिलने से बेहद गुस्से में दिखे। वहीं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए। नगर ये राशन कार्ड नहीं सबके देता है, राशन जाते लावे ले तो नहीं देता है राशन, बोलता है कि नहीं मिलेगा राशन, घर भी नहीं मिलता है, घर को भी दिक्कत है। हमारा घर वाला भी तबीयत खराब है, कमाने वाला कोई नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है। कितना ऐसा परिवार है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है? सब जितना मोहल्ले में है, अम्बेडकर नगर मोहल्ले में है, कोई नहीं, किसी को राशन कार्ड नहीं है। राशन लाने जाते है तो देता है नहीं। क्या राशन कार्ड के लिए आप लोग आवेदन भी किए हैं? हमने राशन कार्ड के फार्म भर दिया है, लेकिन राशन कार्ड देने नहीं आया है। दो बार फार्म भरा गया, बाथरूम के भी फार्म भरा गया, राशन कार्ड के भी फार्म भरा गया, राशन देने नहीं आते। मुखिया जी है, मुखिया देवे नहीं करते है, मुखिया बोलता है देगा देगा, उसके बाद नहीं देता है, डांटता दबाड़ता। क्या नाम है आपका? हमारा रीना देवी नाम। हम लोग का छोटा जात है, झाड़ी जात है, हम लोग का बाल बच्चे यहाँ है, भूखे रह रहे हैं। सगर के लिए, गरीब आदमी के लिए पैसा बढ़ता है, राशन बढ़ता है, राशन कार्ड मिलता है। हम लोग का बाल बच्चा के कोई भी राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, कुछ भी पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बाल बच्चा किस तरीका जिए? घर में हम लोग का चू रहा पानी, हम लोग बाल बच्चे रह रहे हैं, घर को भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग का बाथरूम जाने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें भी गाली गुप्ता होता है, मारपीट करते हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? शौचालय भी बना है, उसमें तल्ला लोग हुआ रहता है, जिसी को पास चाबी रहता उसी मैदान लेटिक जाता, क्योंकि हम लोग नहीं बाथरूम जाने लायक है, हम लोग का नहीं बाथरूम करने का शौक है, हम लोग का नहीं उसमें बैठने के लिए आता है, हम लोग के नहीं मिलता है जाने के लिए। तो हम लोग मुखिया को जिताए, विधायक को जिताए, जिस समय विधायक को भी खड़ा हुआ उस समय ने बोला कि जो चीज का आप लोग का कमी होगा उस चीज हम लोग सहयोग देंगे। तो हम गरीब आदमी ने सोचे कि एक बार हम लोग खड़ा होकर जिताएंगे तो हम लोग का भी कुछ आराम मिलेगा, मगर कुछ भी आराम नहीं मिलता है, हमें देखने वाला कोई भी नहीं आता है, न पैखाना करने के लिए शौचालय देते हैं, न नल दिए, रोड तोड़वा के और फिर भरवा दिए, सफाइया नहीं करने के लिए आता है, नल नहीं साफ करने के लिए आता है। धौली अम्बेडकर नगर 20 नंबर वार्ड, यहाँ नाली साफ करने के लिए भेजता हूँ मुखिया, पोखर गंदा रहता है वो भी नहीं भेजता है, पानी नल वाला दिया वो भी नहीं करवाया कि बंद करवा दो, इधर नहीं जाएगा ये सब, तो यहाँ का रोड गड्ढा गुड्ढी बनवा करवा दिया, ये सब काम कोई सोचने नहीं करता। नल जल योजना वाला कोई मना कर दिया मुखिया कि इधर नहीं जाएगा, दरखास्त तो दिए थे मगर कोई सोचने नहीं आ रहा, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई नहीं। क्या राशन कार्ड में क्या समस्या हो रही है आप लोगों की? राशन कार्ड तो बहुत के है, बहुत के एकदम नहीं है, यहाँ दिया दो तीन बार भर के तो कोई फार्म यहाँ पर नहीं आता है, कितने के लिए घूम के कि आया है कि नहीं आया। कितना परिवार अभी तक जो है जो कि राशन कार्ड की सुविधा से वंचित हुए हैं? अभी कम से 200, हमारा तो कुछ नहीं मिला है सर, अभी तक कोई सुविधा नहीं है हमारा, न कोई दवाई दारू छिटने आता है, न और कोई मुखिया देने के लिए कुछ आता है, पैसा जे लिया जे सब मुखिया हड़प के धर लिया। कोरोना काल में साबुन मास्क वगैरह कुछ नहीं बांटा है यहाँ पर, मुखिया कुछ देवे नहीं किए। कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया? खास करके अम्बेडकर नगर जो है दलित टोला है, और इस दलित टोला में खास करके वार्ड पार्षद के माध्यम से सौतेला व्यवहार किया जाता है, सड़क निर्माण में अनियमितता किया जाता है, नल जल की योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा जो सुचारू है वह मुखिया गड्ढा आप देख रहे हैं गड्ढा खुदाई करवा दिया, और नल जल योजना का जो ठेकेदार है उसको मना कर दिया कि अम्बेडकर नगर ढाड़ी टोला में नल जल योजना नहीं जाए। दूसरी बात है यहाँ जो है राशन कार्ड की जो समस्या है, यहाँ के लोगों जो है 100 से ऊपर दो बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है
अभी तक राशन कार्ड यहाँ नहीं मिला है। इसमें भी स्थानीय वार्ड पार्षद का जो है राजनीतिक चाल है, उनकी मानसिकता है दलित विरोधी, इस लेकर के वो जो है यहाँ का जो है विकास के काम में जो है टांग अड़ाते हैं। रोड नली गली ये जो है अभी सरकार के द्वारा अभी कहा गया है सैनिटाइज करो, साफ सुथरा करो, ये सब कुछ नहीं हो रहा। तालाब भी अभी तक गंदगी बदबू दे रहा, उसके बीच में हम लोग जीने की आदत बना रहे हैं, इससे बहुत से बीमारी परेशानी बढ़ रही है। शौचालय बना हुआ है, शौचालय में अभी तक ताला लगा हुआ है, जिससे कि हमारे बहु बेटी महिलाएं लोग जो है पर पैखाना शौचालय जाते हैं तो यहाँ के दबंग लोग जो हैं किसान लोग जो हैं मना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी से आप लोगों ने इस समस्याओं का निदान के लिए कुछ बातें की है? हाँ, हमने जो है आवेदन लगाया है डीएम को, नगर परिषद को, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मामला ये है कि जहाँ पे लोग जाते आते हैं सब खेत में मट्टी उट्टी में घुस के जाते हैं, तो रोड बनना चाहिए उसी ओर, और जहाँ खेत है जहाँ कोई जाना आना नहीं होता है और रोड ढलैया हो गया उसी ओर। जहाँ सड़क निर्माण कराया गया है वहाँ पे क्या आबादी है, और जहाँ सड़क निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पे क्या आबादी है? जहाँ पे सड़क निर्माण होना था वहाँ पे कम से कम 50 घर की आबादी, और जहाँ पे नहीं रोड ले गया खेत उधर एक भी घर नहीं। किस जनप्रतिनिधि के द्वारा ये काम कराया गया है? ये मुकेश साहब वार्ड नंबर 20 के हैं, मुखिया हैं, उनके द्वारा। तो क्या आप लोग क्या मांग कीजिएगा? हम मांग यही करेंगे कि जो हमारे जहाँ तक के लिए आपने पास करवाया रोड वहाँ तक बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी महिला लोग है, बहुत से हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, पानी पड़ने के बाद जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, पूरा कचरा रहता है। सड़क कहाँ किनके घर से किनके घर तक पास हुई थी? घर डोमन राम के घर से होते हुए कपिल राम के घर तक जाना था, लेकिन ये जा करके ये खेत में जाके बना दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। जहाँ तक साफ सफाई का मामला है तो नगर परिषद घर घर भेजती है कचरा लाने के लिए, तो पब्लिक को भी चाहिए कि सारा कचरा हम अपने डब्बा में रखें, डब्बा से जाएगा वहाँ हमारा जो सफाई कर्मी है वो लेके आता है। पब्लिक को भी चाहिए कि हम तालाब में नहीं फेंके, और अगर तालाब गंदा हो गया है तो हम लोग अविलंब उसको साफ भी करा देंगे। दूसरा मामला है कि शौचालय निर्माण हो चुका है लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया है, ताला बंद पड़ा हुआ है। नहीं, अभी शौचालय अगर निर्माण हो गया है तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी हमें संवेदक ने हैंडओवर नहीं किया है, जब तक हमारे हैंडओवर में नहीं देगा कि हमने कंप्लीट कर दिया है, पब्लिक को लगता है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन उसे बोरिंग करना है, वायरिंग करना है, उसको पूरा सीट को बैठाना है, तो जब तक हमें वो संवेदक लिख के नहीं देता हम लोग उसको ऐसे नहीं मानते। फिर जब वो लिख के देगा कि हमने कंप्लीट कर दिया है तो हमारे जेई वगैरह जाते रहते हैं, उसको जांच करके जब कंप्लीट होगा हैंड ओवर करेंगे। पब्लिक सेवा के लिए लगाएं, उसको बंद कैसे करेंगे, उसको चालू रखेंगे। दूसरा मामला है भैया कि सड़क का निर्माण जो है उसी मोहल्ले में हुआ है, जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ, आबादी वाले जगह पे नहीं हुआ है। नहीं, वो तो योजना देखने का चीज है कि योजना कहाँ थी, और चूंकि आज रविवार है तो नहीं बता पाएंगे, कल हम डॉक्यूमेंट्स देख करके आपको उपलब्ध भी करा देंगे, प्रेस को भी और पब्लिक को भी, कि ये बनना था योजना ये भी बनेगा। और अगर जहाँ पब्लिक को जरूरत है वहाँ स्थानीय वार्ड पार्षद को वो लिख के दे, अगर स्थानीय वार्ड पार्षद नहीं देते तो डायरेक्ट चेयरपर्सन को दे, राज्यपालक को दे, अविलंब उनका भी बनेगा। हमारे यहाँ नगर विकास में कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, काम करना चाहते हैं, पब्लिक जागरूक हो जाए हम लोग काम से। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कोरोना महामारी में हम यही कहेंगे कि लोग घरों में रहें अपने परिवार के। वार्ड नंबर 20 अम्बेडकर नगर में राशन कार्ड का जो मामला सामने आया है कोरोना महाकाल में, ये शर्मनाक मामला है। ये मामला माननीय नगर अध्यक्ष महोदय से कहना हम चाहते हैं कि यह मामला आपको 3 साल से ऊपर हो गया है नगर अध्यक्ष पर, आप ये मामला को राशन कार्ड जो नहीं मिला है कोरोना में, इन्हीं को अनाज नहीं मिल रहा है, किन्हीं का जो सरकार का लाभ मिलता है वो नहीं मिल रहा है, इस पर हम बहुत दुख जाहिर करते हैं कि दलित महादलित के साथ अत्याचार क्यों हम देख रहे हैं। तालाब में, तालाब की बात देख रहे हैं, वहाँ तालाब में बोलिए वहाँ पर VIP लोग भी रहते हैं, गरीब अमीर दलित महादलित सब वहाँ पर हैं, तो तालाब में इतना गंदगी है,
नगर अध्यक्ष जी इतना भी आप कर सकते थे कि उस तालाब को साफ करा करके वहाँ कम से कम स्वच्छ पानी भी मिल सके, कम से कम खुला भी आदमी पहुँच कर सकता था। और बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह, हमको तो कुछ गंगा समझ में नहीं आ रहा है। माननीय साहब, सड़क बनना था कपिल राम डोमन राम के घर तक और बना दिए खेत में जा करके, उस पर के टहलेगा? जो दलित महादलित के जो माँ बहन जो जाते हैं बाथरूम शौचालय, बोलिए वो उस शौचालय बना हुआ है, उस शौचालय में ताला लग गया है, वो तो अध्यक्ष महोदय की जाकर देखना है। हम मांग करते हैं कि दलित महादलित जो टोला है वार्ड 20 नंबर अंबेडकर नगर में जा करके वहाँ देखना चाहिए, माननीय साहब को भी देखना चाहिए कि ताला लगल है शौचालय में। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि शेखपुरा में विकास नहीं हुआ है, महादलित दलित के साथ यहाँ धोखा हो रहा है, यही मांग करना चाहते हैं। पोखर साफ कराना चाहते हैं, सड़क जो बना है जहाँ तकला आदेश हुआ है पास हुआ है वहाँ नहीं बन के दूसर जगह बना है, यही तो माननीय साहब का है। यही तो कहते हैं विकास हुआ है, विकास की गंगा बह रहा है, यही तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा कहाँ बना है माननीय साहब, आप आ करके बताइए। दलित महादलित भाई लोग, आप लोग की हद हंसने की कोई बात नहीं है। आपका सेवक रंजीत कुमार और पिंटू मातो आपके सामने खड़ा हो गया है, आपसे वादा करते हैं कि आपका सुख दुख हर एक चीज में आपका हम काम आएंगे। आपसे वादा करते हैं, एक बार हमें विश्वास कीजिए, एक बार मौका दीजिए, दोबारा मौका नहीं मांगेंगे। एक बार कार्यकर्ता जनता के बीच हमने बढ़िया काम किया तो हमको स्वीकारिएगा, बढ़िया काम नहीं करेंगे तो कान पकड़ के भगा दीजिएगा।